दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तंगसन की सेकंड मास्टर सोल हाउ टेन हेमल के सारे सोल रिंग के बारे में, आखिर इसमें कितने सोल रिंग्स आते हैं और वो कौन कौन सोल रिंग है, तो मैं आज की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करना। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। हमारे एपिसोड स्टार्ट होते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं तंगसन के बारे में। वैसे तंगसन यहाँ पर बाकियों से अलग है और बाकियों से डिफरेंट है क्योंकि तंगसन के पास बल्कि एक नहीं दो मार्शल सोल मौजूद है। इस पूरे दोलो कॉन्टिनेंट में सिर्फ दो ही ऐसे लोग गए जिनके पास दो मार्शल सोल्स है, जिनमें से पहली आती है बिबिदोंग और दूसरा तंगसन आता है। असल में दोनों मार्शल सोल तंगसन को अपनी मदर और फादर से मिली है, जिनमें से पहला ब्लू सिल्वर एम्परर आता है और सेकंड क्लेश का हैमर आता है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लेश के हैमर के सारे सोल रिंग को एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं हैमर के सोल रिंग के बारे में, जिनमें से पहला सोल रिंग एक रेड कलर के सोल रिंग है जो की एक बेहद पावरफुल सोल रिंग है और यह सोल रिंग अर्मिंग की है जो की अर्मिंग के सैक्रिफाइस के दौरान तंगसन को मिली थी। अगर बात की जाए इसकी एज 100,000+ ईयर है। जिस सोल रिंग में दो टेक्निक्स आते हैं इसके बारे में हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे क्योंकि इसके बारे में नोल में कुछ भी नहीं लिखा है और इसे टाइटन जॉइंट एप नाम से जाना जाता है जो कि एक पावर सिस्टम अटैक से बिलोंग करता है जो कि एक बेहद पावरफुल सोल रिंग है। तो इसकी एबिलिटी को हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। और सेकंड नंबर पर आता है एक ब्लैक कलर की सोल रिंग और यह सोल रिंग तंगसन को व्हाइट आई डेविल टाइगर किंग को मारने के बाद मिली है और इसका एज 60,000+ ईयर है और यह बेस सनसेट फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसे मारने के बाद तंगसन को एक सोल बम मिला था जिसे तंगसन अपने साथ अटैच नहीं किया बल्कि इसे दाई मोवे को दे दिया था। और तीसरे नंबर पर आता है एक ब्लैक कलर की सोल रिंग। दोस्तों वैसे तो इसके बारे में नोल में कुछ भी नहीं लिखा है, आखिर यह किस बिस्ट की सोल रिंग भी नहीं बताया है। अगर बात की जाए इसकी एज के बारे में, इसकी एज 60,000+ ईयर है। और फोर्थ नंबर पर आता है एक और ब्लैक कलर की सोल रिंग और यह सोल रिंग तंगसन को डार्क डेविल गॉड टाइगर को मारने के बाद मिलने वाली है और इसका एज 60,000 ईयर से लेकर 70,000+ ईयर के करीब है। अगर बात की जाए इसके बारे में, यह देखने में पूरी तरह से ब्लैक है और यह 8 मीटर से कम लंबा नहीं है और साथ ही इसका वजन 3000 जिन्स है। और सबसे खास बात, इसकी आंखें पूरी तरह से लाल भरी होती है और इसकी आंखें हमेशा ही क्रूरता से भरी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात, इसकी पूंछ बाकियों की स्प्रिट बिट की तुलना में बहुत ही ज्यादा लंबा है और इसके पास एक पावरफुल डोमिन भी मौजूद है जो की एक बेहद ताकतवर है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो एक स्प्रिट बिट के पास डोमिन भी होती है। और फिफ्थ नंबर पर आता है एक और ब्लैक कलर की सोल रिंग और यह सोल रिंग तंगसन को मैन पेस्ट डिमन स्पाइडर एम्परर को मारने के बाद मिलने वाली है और इसकी एज 50,000+ ईयर है। अगर बात की जाए इसके बारे में, मैन पेस्ट डिमन स्पाइडर एम्परर एक बेहद डेंजरस और स्ट्रांग है, लेकिन तंगसन ने पहले इस तरह के कई सारे स्पाइडर को सामना कर चुका है। वैसे इसको मारना तंगसन के लिए बड़ी बात नहीं है, इसे बहुत ही आसानी से हरा देगा और साथ ही ये बहुत ही ज्यादा हिंसक और शातिर दिमाग वाला सोल बेस्ट है। अगर ये बेस्ट 50,000 ईयर तक पहुंच जाता है, इसे मैन पेस्ट डिमन स्पाइडर एम्परर कहा जाता है, सच में पहले से काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अगर यह सोल हैमर में ऐड हो जाएगा तो इसकी पावर और भी ज्यादा राइज हो जाएगा। तो इसके बारे में हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। और सिक्स नंबर पर आता है एक और रेड कलर के सोल रिंग और यह सोल रिंग तंगसन को 1000 कैटिस एंट एम्परर को मारने के बाद मिलने वाली है जो कि एक बेहद पावरफुल सोल बिस्ट है। इसको मारना तंगसन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा और इसे मारने के लिए तंगसन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और इसका एज 100,000+ ईयर है और यह सोल रिंग सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर बात की जाए इस सोल बिस्ट के बारे में, एक चीटी सम्राट की एक चीटी प्रकार की स्प्रिट बिस्ट है और सभी चीटियों की ताकत इसकी ताकत है। दोस्तों एक चीटी भले ही सूक्ष्म रहता हो लेकिन वो भारी वस्तुओं को अपनी वजन से 100 गुना तक उठाने में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जब यह अपीयर होता है तो वहाँ एक काली चमक दिखाई देता है तो इसका इफेक्ट अर्थ को हिला देने वाला होता है और इसका इफेक्ट शुरू होते ही पूरी धरती कांपने लगती है। इससे आप समझ सकते हो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल सोलरिंग है। और सेवंथ नंबर पर आता है एक और रेड कलर के सोलरिंग और यह सोलरिंग भी तंगसन को 1000 कैट्स एंट एम्परर को मारने के बाद ही मिलेगी और ये दोनों सोलरिंग एक ही तरह की स्प्रिट बिस्ट की आती है और इसका एज भी 100,000+ ईयर है। और जब यह सोलरिंग हाउट एंड हैर में ऐड हो जाएगा तो उसके बाद हैमर क्लैश का हैमर अवतार होगा। वैसे दोस्तों यह सोल बेस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि यह 100,000 ईयर से ज्यादा कल्टीवेट किया हुआ एक सोल बेस्ट है जिनको हंट करने के लिए तंगसन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सच में यह सोल रिंग काफी ज्यादा पावरफुल है। और एट नंबर पर आता है एक और रेड कलर की सोल रिंग और यह सोल रिंग तंगसन को एक ऐसी प्रजाति के सोल बेस्ट 15 टन एंट को मारने के बाद मिलने वाली है और इसकी एज 100,000+ ईयर है जो की एक बेहद पावरफुल स्ट्रांग रिंग है जिनका सामना करना भी तंगसन के लिए बेहद मुश्किल होगा। अगर बात की जाए इस स्प्रिट बेस्ट के बारे में, 15 टन चीटिया एक प्रकार के सोल बेस्ट है जो की अत्यंत दृढ़ जीवन की शक्ति के साथ पावरफुल होता है और ये अटैक करने में बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग वाला होता है और ये देखने में बहुत बड़ा और ताकतवर होता है। ऐसा लगता है तंगसन बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि एक के बाद एक रेड सोल रिंग मिल रही है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और नाइन्थ नंबर पर आता है एक गोल्डन कलर की सोल रिंग जो कि गॉड डिवाइन रिंग के बराबर है। अगर तंगसन इसका यूज करते हुए गॉड के साथ भी फाइट करने लगा, एक गॉड को भी बहुत ही मात्रा में नुकसान पहुंचा सकती है, तो यह सोल रिंग एक गॉड को भी टक्कर दे सकती है। इसका एज 1,000,000+ ईयर है और यह सोल रिंग तंगसन को डीप सी डेमन वेल किंग को मारने के बाद मिलने वाली
वाली है, जो कि एक बेहद बेहद बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल रिंग है। वैसे तो आपने इसको पहले ही देख चुके हैं आखिर कितना ज्यादा पावरफुल और चालाक है। और 10th नंबर पर आता है एक और गोल्ड कलर की सोल रिंग, और ये सोल रिंग टैंक्सन को अजरा गॉड से मिलने वाली है, और इसका एज 1 मिलियन प्लस ईयर है, जो कि एक डिवाइन रिंग है और इमोर्टल रिंग है। तो कैसे इस सोल रिंग को टैंक्सन हासिल करता है तो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सारी सोल रिंग को एक्सप्लेन करके बता दिया है। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आने वाले एपिसोड में।